नमस्कार दर्शकों, आपके समक्ष मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है। गढ़ सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। आज की टॉप हेडलाइन, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में आज सड़क पर उतरेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। एनआरसी एवं कैब के खिलाफ सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन जारी। नागरिकता कानून पर जारी विरोध प्रदर्शन पहुंचा दिल्ली, तनावपूर्ण बना माहौल। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में आज भी बंगाल में बवाल जारी। आज खुद सड़क पर उतरेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल लगातार चौथे दिन सोमवार को भी हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन जारी है। राज्य के अधिकारियों ने बताया कि सड़क जाम करने और ट्रेन रोकने की घटनाएं राज्य के कई हिस्सों में हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज राजधानी कोलकाता में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ सड़क पर उतरने जा रही है। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस एक विशाल रैली आयोजित करने जा रही है। सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शन करने की अपील की है। विश्व चाय दिवस के अवसर पर अलीपुरद्वार ब्लॉक के अतियाबाड़ी चाय बगान में रविवार को अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अधिकारियों के साथ काफी संख्या में चाय बगान श्रमिकों ने हिस्सा लिया था। कार्यक्रम में बगान श्रमिकों ने अपनी अपनी विभिन्न समस्याएं रखी। मुख्य रूप से कार्यक्रम में चाय बगान श्रमिकों के परिवारों के बच्चों की शिक्षा, नारी व शिशु तस्करी समेत अन्य मुख्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अधिकारियों ने चाय दिवस के अवसर पर आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में चाय बगान श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। उन्होंने कहा इस अवसर पर अखिल भारतीय आदिवासी परिषद का जिला कमेटी भी गठन किया गया। हम लोगों का आज अखिल भारतीय विकास परिषद की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखे हम लोग, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुआ, जैसे कि आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एडुकेशन, कल्चर और जो ट्रैवल एडवाइजरी कमेटी जो रहता है वो इस एरिया में सही तरह से रूपांतरित करने के लिए, और साथ ही साथ हम लोगों का जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साथ निभाने वाले जयपाल सिंह मुंडा जी का विषय में भी हम लोगों ने विस्तारित चर्चा किया। और सर्वप्रथम क्योंकि हम लोग इस एरिया में चाय बगान एरिया में रहते हैं तो आज इंटरनेशनल टी डे है, तो उस पर भी हम लोगों ने विस्तार विचार विमर्श किए। जी आज के हमारे 15 डिसेम्बर आज के हमारा एखानटा जे प्रोग्राम आयोजन करेटार इंटरनेशनल टी डे, ये पूरा वर्ल्डे पूरा इंडिया ये मानानो हे, तई हमारा যেগুলো ইন্ডিয়াতে খুব কমই লোক মানত সেই সেই জিনিসগুলো আমরা উঠে ধরছি। আমাদের ডুয়ার্সে যে বাগান এলাকাটা বেশি, তাই আমরা আজকে 15 ডিসেম্বর ইন্টারন্যাশনাল টি ডের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম রেখেছি। তার সাথে সাথে আমরা আজকে অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ জেলা কমিটি গঠন করতে চলেছি। एनआरसी एवं कैब के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी में एक विरोध रैली निकाली। रैली कालचीनी थाना मैदान से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए हैमिल्टनगंज चौपाटी पहुंचकर समाप्त हुई। तृणमूल कांग्रेस के कालचीनी ब्लॉक के अध्यक्ष असीम मजूमदार समेत तृणमूल कांग्रेस के जिला व ब्लॉक स्तर के नेताओं ने रैली में हिस्सा लिया। रैली के दौरान तृणमूल नेताओं ने एनआरसी एवं नागरिक संशोधन कानून को विभाजनकारी करार देते हुए इसके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं, इन लोगों ने कहा कि जब तक पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार है, लोगों को इन कानूनों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर जल्द से जल्द इस कानून को रद्द किए जाने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर इन नेताओं ने जोरदार आंदोलन करने की चेतावनी दी। अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम थाने की पुलिस ने रविवार को सेफ ड्राइव सेफ लाइफ अभियान के तहत ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।
कुमारग्राम थाना के बारोबिसा में इस अवसर पर एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में ओपन स्कूल के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए बारोबिसा चौपाटी पहुंचकर एक पथ सभा में तब्दील हो गई। पथ सभा के दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने संगीत, नाटक तथा नृत्य के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी एवं उन्होंने भविष्य में ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर कुमारग्राम थाना के SI वासुदेव सरकार ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सरकार ने कहा, अभिभावकों को बचपन से ही बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर घर से बाहर निकलता है तो घर वाले उन्हें हेलमेट अवश्य पहनने की सलाह दें। इसके साथ ही गाड़ी का इंश्योरेंस, पॉल्यूशन समेत अन्य कागजात ठीक ठाक रखने की अपील की। पुलिस अधिकारी ने नियमों के अनुसार गाड़ी चलाने व उन्हें संरक्षित रखने का आह्वान करते हुए कहा, इसमें हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। उन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल के नियमों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। SI ने कहा कि अभिभावकों को 10वीं से नीचे के क्लास के बच्चों को स्मार्टफोन का व्यवहार नहीं करने देना चाहिए, मुख्य रूप से जिसके फोन में इंटरनेट कनेक्शन लगा हो। उन्होंने कहा, वर्तमान में इंटरनेट पर कई प्रकार के जानलेवा गेम्स उपलब्ध है जिनके चंगुल में फंस कर विद्यार्थी अपने सब कुछ गंवा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के स्कूल बैग व उनके अलमारी को नियमित रूप से जांच करने का आह्वान किया। यदि उनके बैग में किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री दिखती है तो इसके बारे में बच्चों से पूछताछ करने की भी सलाह दी। आज के हमारा ओपन टेक स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल बारोबिसा तादेश सहयोगिता एक प्रोग्राम खुल से पश्चिम बंगाल सरकार के आदिवासी विकास विभाग की ओर से कोलकाता के सॉल्ट लेक में 16 से 18 दिसंबर तक पश्चिम बंगाल प्रदेश स्तरीय आदिवासी सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का हिस्सा लेने के लिए अलीपुरद्वार जिले से प्रतियोगी का एक दल कोलकाता के लिए रवाना हो गया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार के आदिवासी विकास विभाग की ओर से पहले ब्लॉक स्तर पर उसके बाद जिला स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अलीपुरद्वार जिला स्तर के प्रतिभागियों में माधरीहाट के घुमची सभा बस्ती के राभा नृत्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। आज प्रतियोगी का दल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अंशग्रहण करने के लिए कोलकाता रवाना हो गए। प्रतियोगी दल में शामिल एक कलाकार ने बताया, जिला स्तर की विजय होकर राज्य स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना काफी अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा, इतनी संख्या में एक राजधानी जाना सुखद अनुभव है। उन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। लेदेश वाला ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। सनशाइन हाई स्कूल एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल affiliated to ICSE board. Admission for session 2020 pre-nursery to class 9. Quality educational. Separate hostels for boys and girls. Confidence building. Leadership programs. Games indoor and outdoor. Co-curricular activities. Pollution free. For admission and prospectus, contact Sunshine School 7797965318. 9743155003। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवेब्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवेब्स क्या है। शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। एनआरसी एवं कैब के खिलाफ सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन जारी। रविवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के 40 नंबर वार्ड कांग्रेस कमेटी की ओर से एक एनआरसी एवं कैब के खिलाफ मशाल रैली निकाली गई। शहर के हैदरपारा मार्केट कॉम्प्लेक्स से निकाली यह मशाल रैली विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए एक सभा में तब्दील हो गई। एनआरसी एवं कैब के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए इसका विरोध लोग कर रहे थे। इसके साथ ही इन लोगों ने एनआरसी एवं कैब को विभाजनकारी कानून बताते हुए इसे तत्काल वापस लिए जाने की मांग की है। ये जोट हमारा गत खींचाई निर्वाचन थेके हमारे दासपुरा घिंडिगा लक्ष्मीपुर अंचले जोट हमरा तैयारी करेछि एवं ये जोट करवार परवर्तीते विभिन्न भावे साधारण मानुषेर दाबी के आदाय करवार जोन्नो आमरा सन्त्रासेर बिरुद्धे जोट तैयारी करेछिलाम। हठात करे केंद्रेर जे मोदी सरकार केंद्रे क्षमता बसवार पर धर्म स्वाधीनता धर्म निरपेक्षता के उच्छेद कर दिए आज के धर्मीय स्वार्थे देश परिचालना करवार जन्य एनआरसी चालू करे तार परवर्ती नागरिकत्व संशोधन बिल राज्यसभा एवं लोकसभा पास करे मानुष के असहाय करे तुलेछे। प्रथम अवस्था एनआरसी আসামে লাগু ছিল এবং চালু হয়েছিল, সেখানেও মানুষ জর্জরিত। তাই আমরা জোটের পক্ষ থেকে সমস্ত মানুষকে আমরা যেভাবে শান্তিপূর্ণ উদ্যোগ নিয়ে ভাই ভাই হিসাবে আমরা বসবাস করে এসেছি, এর জন্য আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি আজকে এই মশাল মিছিল নিয়ে যে এনআরসি চাই না, ক্যাব আমরা চাই না, আমরা শান্তিপূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতবর্ষ চাই। এনআরসি বা ক্যাবের নামে যে অত্যাচার চলছে তার বিরুদ্ধে 40 নম্বর ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে আজ প্রতিবাদ মিছিল বার করছি আমরা। আমাদের দাবি, যাদের ভোটের ফটো আছে তাদের ভোটাধিকার দিতেই হবে। হ্যাঁ, এটা ক্যান্সেল করলে চলবে না এবং এটা যদি না মানে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। নাগরিকতা কানুন পর জারি বিরোধ প্রদর্শন কি আগ রবিবার কো ইউপি আর দিল্লি পৌঁছ গই। জামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মে প্রদর্শনকারীয় নে পুলিশ পর পথরাও কি আর বসো মে আগ লাগা দি। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। हिंसा के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। असम और पश्चिम बंगाल में भड़की आग रविवार शाम को अचानक दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया और फिर यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पहुंची। जामिया नगर में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। डीटीसी की 3 बसों और कुछ अन्य गाड़ियों को फूंक दिया। इसके बाद एएमयू में भी हिंसक प्रदर्शन होने लगे। जामिया और एएमयू में पुलिस उपद्रवियों को पकड़ने के लिए यूनिवर्सिटी में घुसी। इस दौरान अंदर जमकर तोड़फोड़ भी हुई। तनाव के मद्देनजर जामिया नगर में स्कूल बंद है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दी गई है। बदहाली की आंसू बह रहा है अलीपुरद्वार जिले की हाटे। बुनियादी सुविधाओं से वंचित, जिला परिषद वसूलता है लाखों का टैक्स। अलीपुरद्वार जिला परिषद संचालित विभिन्न हाटों की अवस्था जर्जर हो चुकी है। ये सभी हाट बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। हाटों की बदहाली के कारण व्यवसायियों एवं खरीदारों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हाट में प्रवेश करने के दौरान लोगों को नाक पर रुमाल डालकर अंदर जाना पड़ता है। हाट के विभिन्न स्थानों में जहां तहां गंदगी व कचरे के अंबार देखे जा रहे हैं। इससे निकलने वाले दुर्गंध से लोग परेशान हैं। यहां के शेड जर्जर हो चुके हैं। जब कभी भी यहां बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। हाट व्यवसायियों ने बताया कि वर्षों से हाट की मरम्मत नहीं की गई है। इतना ही नहीं, यहाँ साफ सफाई भी नियमित रूप से नहीं होती। प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता यहाँ आते और सफाई का आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं होता। हरिपुरद्वार जिले के हैमिल्टनगंज हाट भी इन दिनों बदहाली के आंसू बह रहा है। यह नाले कचरे से भर गए हैं। कचरे से निकलने वाले दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जिले के बारोबिसा हाट की भी लगभग यही हालत है। हाट व्यवसायियों ने बताया कि वर्षों से यहाँ सफाई नहीं हुई है। बार बार कहने के बावजूद हाट की मरम्मत नहीं हो रही है। चारों ओर गंदगी फैली हुई है। इससे निकलने वाले दुर्गंध से यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कहा जिला परिषद की ओर से हर साल मोटी रकम बतौर खजाना वहां के व्यवसायियों से वसूला जाता है, पर सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ नहीं मिलता। दूसरी ओर जिला परिषद की सभाधिपति दीपा दास सरकार ने बताया कि अलीपुरद्वार जिला परिषद द्वारा संचालित 20 हाटों की मरम्मत के लिए योजना बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। उन्होंने कहा धन आवंटित होने के साथ ही हाटों की मरम्मती का कार्य शुरू हो जाएगा। না পরিষ্কার পরিচ্ছন্নর জন্য পয়সা নেয় না, আমাদের এক বছরে 360 3650 টাকা খাজনা নেয়।
আমরা খাজনা দেই, পরিষ্কার করার জন্য এক্সট্রা কোনো পয়সা নেয় না। না কাজকর্ম সাড়ে তিন বছর দিয়ে কোনো পরিষ্কার হয়নি বাজার, আর দশ বছর থেকে কোনো ঝাড়ু দেয়নি বাজারে, কোনো নালা পরিষ্কারের কাজও হয়নি দশ বছর থেকে। হয়েছে ওই নালা উপর দিয়ে কাজ করে দিয়ে চলে গেছে খাজনা দায়িত্বে। এখন কারা আছে ওদের তো নাম জানি না, ওই যুবগোষ্ঠী যুবগোষ্ঠী ওদের বাচ্চা জুনিয়র ছেলেপেলেরা নিয়েছে। আমাদের সমস্যা গন্ধে কাস্টমার ঢুকে না, আমরা নিজেরা দোকানদারি করতে পারি না, রোগ হবে এটা দিয়ে, রোগ হচ্ছে, হবে মানে কি হচ্ছে অলরেডি। এর আগে দু বছর আগে আমরা পথ অবরোধ করেছিলাম, পার্টির নেতারা যায় থানাতে যায়, উল্টা আমাদেরকে আরও ফাঁসাই দিল। জেলা পরিষদের যে হাটগুলি রয়েছে, আমাদের মোট 20টা হাট, আমরা 20টা হাটেরই আমাদের যে প্রিলিমিনারি রিপোর্ট, সেই রিপোর্ট আমরা তৈরি করে ফেলেছি এবং আমাদের কনসালটেন্টের মাধ্যমে সেই রিপোর্ট তৈরি হয়ে গেছে। আমরা এখন আস্তে আস্তে ডিপিআর তৈরি করে আমরা পিএনআরডিতে পাঠাবো। আমাদের মার্কেট ফান্ডের যে অর্থ, সেই অর্থ পাওয়ার জন্য আমরা প্রপোজাল পাঠাবো। এর মধ্যেই আমাদের সার্ভেও শেষ হয়ে গেছে, সমস্ত আমাদের যে হাটের নকশা তৈরি সেটাও আমাদের শেষ হয়ে এসেছে, এখন আমরা পাঠাবো ফান্ডের জন্য। ফান্ড পেলেই আমরা দ্রুত হাটগুলোকে মেরামতির চেষ্টা করবো। एनआरसी व कैब को लेकर तृणमूल छात्र परिषद की कार्यकर्ताओं की सभा आयोजित, एनआरसी नहीं मानने की कही बात। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरने के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्णय को सोमवार को आलोचना की है। उन्होंने कहा वह असंवैधानिक एवं भड़काऊ कार्य करने से बचे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य में स्थिति बेहतर करने पर जोर देना चाहिए, जहां पिछले तीन दिनों से कानून को लेकर हिंसक प्रदर्शन जारी है। आज के लिए बस इतना ही, तमाम विशेष खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।